नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मैनपुरी ईसन नदी चौराहे से संचालित हो रही अवैध बस एवं मैजिक, अवैध बसों के संचालन से हो रहा सरकार के राजस्व को लाखों का नुकसान। ट्रैफिक का एक सिपाही और एक दरोगा संचालित कराता है अवैध डगामार बसें और मैजिक छोटा हाथी। इस मुहिम में लोकल के दबंग शामिल हैं। ईसन नदी चौराहे से करहल, इटावा, आगरा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद सवारियों को गुमराह कर अवैध बसों में बैठाया जाता है। अवैध बसों के संचालन को लेकर निजी ट्रेवल कंपनियां भी खोली गई हैं। अधिकांश ट्रेवल एजेंसियां का तो रजिस्ट्रेशन तक नहीं। बस परिचालकों का कहना है कि नीचे से ऊपर तक पैसे देते हैं। स्थानीय ट्रैफिक पुलिस, स्थानीय आरटीओ मैनपुरी सभी को हर महीने मोटी रकम दी जाती है। सूत्र अरबों रुपए खर्च कर परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल की गई। हाईटेक बसें, डगामार बसों की वजह से सरकारी बसों को यात्री मिलते ही नहीं, क्योंकि आसपास अवैध बसों को संचालित कराने वालों का फैला है। मकर जाल, सरकारी बसों में बैठने वाले यात्रियों को कम पैसे में यात्रा का लालच लेकर सरकार को लगाया जा रहा है चूना। अवैध बसों के संचालन से परिवहन विभाग को हर महीने हो रहा लाखों का नुकसान। यही डगामार बसें होती हैं हादसे का शिकार। लोगों की जाती है जान, सरकार बनती है जवाब दे, लेकिन सरकार के निर्देशों का पालन करने वाले बने लापरवाह। किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है परिवहन विभाग। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे तेजस 24 न्यूज़।